है ना, कि आज जो टॉपिक करते हैं, मैं रिकॉर्ड भी करूंगा इसे, जो इस बार का पेपर आया ना इसके सॉल्यूशन की भी एक रिकॉर्डिंग करूंगा अभी आफ्टर सम टाइम्स, वो भी आप देख लेना, वो अपलोड करूंगा मैं चैनल पे, है ना, तो आप भी आप देख लेना, उससे भी आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा, है ना, वो आपका आएगा। तो वेव ऑप्टिक्स में जो चीज़ हम स्टार्ट करते हैं आपका, आज आपको पढ़ना है, जैसे आपने ये पढ़ लिया कि भाई इंटरफेरेंस ऑफ लाइट क्या होता है ना, तो हाइगेंस प्रिंसिपल, तो आज आपको पढ़ना है यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, ये आज आपका टॉपिक है। लास्ट टॉपिक कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस था ना। हाँ वही था, कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। उसके बाद तो फ्राइडे के दिन क्लास थी नहीं, तो आज जो क्लास हो रही है दैट इज द यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, इन शॉर्ट वे कॉल इट एज ए YDSE, YDSE है ना, इन शॉर्ट में इसको हम बोलते हैं इसलिए आपका YDSE। एक्चुअली क्या होता है ना कि इंटरफेरेंस की थ्योरी तो बहुत पहले आ गई थी कि भाई इंटरफेरेंस होना चाहिए, क्योंकि तो साउंड में अगर इंटरफेरेंस होता है और अगर लाइट भी वेव है तो उसमें भी इंटरफेरेंस होना चाहिए, इसमें कोई ऐसा सरप्राइजिंग चीज नहीं होनी चाहिए, इंटरफेरेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ वेव। लेकिन एक्चुअली में हम नॉर्मल लाइफ में ऐसी कोई चीज ऑब्जर्व नहीं कर पा रहे है ना, कि नॉर्मल लाइफ में क्या होता था भाई, ऐसा कुछ थोड़ी ऑब्जर्व कर रहे हो आप कि भाई एक बल्ब आपने यहाँ पे रखा, कोई इस तरह से बल्ब है कोई, और एक कोई दूसरा बल्ब आपका ऐसा है, और यहाँ पे कोई पॉइंट आपने आइडेंटिफाई कर लिया, आपने बोला भाई इस बल्ब से लाइट यहाँ तक पहुंची है ना, और इस बल्ब से लाइट यहाँ पे पहुंची और यहाँ पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुई है ना, कि भाई एक सोर्स वन था इससे लाइट पहुंची और दूसरे बल्ब से लाइट पहुंची, और चूंकि हम मैंने पढ़ा है वेव में इंटरफेरेंस होता है, तो अगर यहाँ पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो गया हाँ, तो इस लोकेशन पे अगर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो गया तो यहाँ से लाइट गायब हो गई, यहाँ पे डार्क बन गया, तो क्या कई चीज अभी आप ऑब्जर्व करते हो ऐसी कभी भी नॉर्मल लाइफ में? नॉर्मल लाइफ में कभी हम ऐसा ऑब्जर्व नहीं करते हैं ना, कि भाई दो बल्ब एक बल्ब जलाएंगे तो आपको पता है कि सिंपल से अगर आपने एक बल्ब ग्लो किया है तो ब्राइटनेस कम होगी किसी भी पॉइंट पे, और दो बल्ब ग्लो करेंगे तो ब्राइटनेस बढ़ जाएगी, ऐसा थोड़ी होगा ब्राइटनेस कम हो गया वो पॉइंट डार्क हो गया, ऐसा कोई हम नॉर्मल लाइफ में ऑब्जर्व करते नहीं है, तो क्यों ऑब्जर्व नहीं करते हैं? इंटरफेरेंस के अकॉर्डिंग तो ऐसा हो सकता है, व्हाई डोंट वी ऑब्जर्व दिस काइंड ऑफ फिनोमेना, ये ऑब्जर्व क्यों नहीं करते हैं हम इसमें? वही क्यों साइंटिस्ट को इतने साल लग गए ये चीज ऑब्टेन करने में, ऑब्जर्व नहीं करने का रीजन क्या है? सर विजिबल नहीं होती है। नहीं विजिबल तो स्क्रीन रख देंगे तो विजिबल भी होगी, स्क्रीन रख देंगे तो क्या हो गया सके आपकी विजिबल भी होगी है ना, लेकिन बेसिकली नॉर्मल कंडीशंस में नहीं देख पा रहा था। हाँ नहीं नॉर्मल कंडीशन में क्यों नहीं देखते हैं वही तो पता करना है कि भाई क्यों ऐसा नहीं होता है। भाई एक बल्ब आपने जलाया तो कहीं भी वॉल ले ली आपने, वॉल के ऊपर लाइट कम आई, दो बल्ब जलेंगे तो लाइट बढ़ जाएगी, ऐसा थोड़ी होगा वॉल में डार्क आ जाएगा। सर पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं इसलिए। नहीं, सही से बताओ, सही से बताओ, आपने दो लेक्चर पढ़ लिया है, मेन चीज पे आप नहीं आ रहे हो, नहीं मेन चीज आप बता नहीं रहे हो, हर जगह पे हम देखते हैं जैसे कोई भी दीवार है, एक आप लाइट बंद करोगे तो दीवार कम ब्राइट होगी, और दो बल्ब ऑन करेंगे तो ब्राइटनेस बढ़ती जाएगी, जितने ज्यादा बल्ब करते जाएंगे ब्राइटनेस हमेशा बढ़ती जाएगी, कहीं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस जैसा चीज होता ही नहीं है। ट्रैवलिंग ऑफ वेव हाँ नहीं ट्रेवलिंग और वेव नहीं होता, उसका मेन रीजन है अब्जॉर्ब कर लेता है वो। इनकोहरेंट सोर्स होता है, अपने मेन चीज मिस कर गए कि जो इंडिविजुअल सोर्स होते हैं ना, इंडिविजुअल सोर्स ऑफ लाइट, इंडिविजुअल सोर्स ऑफ लाइट आर ऑलवेज इनकोहरेंट या नॉन कोहरेंट, ये जो इंडिविजुअल सोर्स ऑफ लाइट होते हैं कभी कोहरेंट हो ही नहीं सकते हैं, ये तो इनकोहरेंट होते हैं, तो अगर इनकोहरेंट होंगे तो आपको पता है कि इनकोहरेंट में ऐसा कुछ थोड़ी होता है कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव,
आपने पढ़ा था कि नॉन कॉरेंट अगर होगा तो हमेशा एवरेज इंटेंसिटी आ जाएगी रिजल्ट की, और एवरेज इंटेंसिटी तो हमेशा आई वन प्लस आई टू होती है। तो अगर एक बल्ब कहीं पे इंटेंसिटी आई वन प्रोड्यूस कर रहा है, दूसरा बल्ब अगर आई टू प्रोड्यूस कर रहा है, तो नेट इंटेंसिटी आई वन प्लस आई टू हमेशा होगी, तो ब्राइटनेस बढ़ेगी। ये कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव स्टडी तभी होगा जब सोर्स कोहेरेंट होंगे। मैंने बोला भाई दो अलग अलग सोर्स कभी भी कोहेरेंट हो ही नहीं सकते, है ना। तो नॉन कोहेरेंट होता है तो हमेशा ब्राइटनेस बढ़ेगी। इस तरह का कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव तो तब होता है ना फॉर स्टडी इंटरफेरेंस, स्टडी इंटरफेरेंस। कहीं भी अगर हम स्टडी इंटरफेरेंस ले रहे हैं, फॉर स्टडी इंटरफेरेंस वी रिक्वायर, है ना, कोहेरेंट सोर्स। कोहेरेंट सोर्स स्टडी इंटरफेरेंस या परमानेंट इंटरफेरेंस के लिए आपको कोहेरेंट सोर्स की जरूरत पड़ती है। और कोहेरेंट सोर्स की कंडीशन क्या है आपको पता है? कि कोहेरेंट सोर्स में लाइट शुड ऑरिजिनेट फ्रॉम सेम सोर्स, लाइट शुड कम फ्रॉम सेम सोर्स, सेम सोर्स। जब भी लाइट आपकी सेम सोर्स से आएगी तभी वो कोहेरेंट होगी, और जब सेम सोर्स से आएगी कोहेरेंट होगी तभी जब सुपर पोजिशन होगा तो उससे क्या होगा, बेसिकली आपका इंटरफेरेंस होगा, है ना। तो ये रीजन है कि भाई इंटरफेरेंस नॉर्मल केस में हम ऑब्जर्व नहीं करते हैं, क्योंकि दो अलग अलग सोर्स हमेशा इंकोहेरेंट होते हैं, तो हमेशा आई वन प्लस आई टू होगा। जब लाइट सेम सोर्स से आएगी या कोहेरेंट सोर्स होगा तब इंटेंसिटी जो होती है वो ये हो सकती है, आई वन प्लस आई टू प्लस टू अंडर रूट ऑफ आई वन आई टू इनटू कॉस फाइव, है ना। अदरवाइज तो हमेशा आई वन प्लस आई टू ही होगी, तो ब्राइटनेस की वैल्यू हमेशा क्या होगी, इसलिए आपकी इंक्रीज ही होगी। तो ये आपका रीजन था। तो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट मैंने यहाँ पे लिखा है, दिस इज यंग्स इज द नेम ऑफ साइंटिस्ट, दैट इज योर यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। तो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट जो है ना, यही मेथड है कि हाउ टू ऑब्टेन द कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट, है ना। इस एक्सपेरिमेंट की मेन खास बात यह है कि यंग्स डबल स्लिट में हम यही ऑब्टेन करते हैं कि भाई लाइट का हम कोहेरेंट सोर्स ऑब्टेन कैसे करें, वही आपकी मेन चीज है। तो उसी के बारे में हम पढ़ेंगे ना, कि भाई कोहेरेंट सोर्स हम कैसे ऑब्टेन करें। इंटरफेरेंस यहाँ पे हो जाए और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस अगर होता है तो यहाँ पे वैसे तो डार्क होना चाहिए, देखिए अगर डार्क होता नहीं है ना एक्चुअली, क्योंकि दोनों सोर्स जो होते हैं कॉरेंट होते ही नहीं है। मैंने बोला कि होना चाहिए, लेकिन एक्चुअली हम प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसा कोई ऑब्जर्व करते ही नहीं है, क्योंकि दो इंडिविजुअल सोर्स कभी भी कॉरेंट नहीं होते, तो उसमें डार्क फ्रिंज बन ही नहीं सकता है। वो तब बनेगा जब आपका कोहेरेंट सोर्स होंगे, जब लाइट कहाँ से आएगी, सेम सोर्स से आएगी। तो अब हम एक्सपेरिमेंट उसी चीज का परफॉर्म करेंगे कि भाई नॉर्मल लाइफ में तो ऐसा हो नहीं पा रहा है इंटरफेरेंस जैसी चीज, तो हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या एक एक्सपेरिमेंटली लैब में हम ऐसा कर सकते हैं। वही जो एक्सपेरिमेंट है, दिस इज नोन एज अ यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। और इंडिविजुअल एटम कैसे ऑसिलेट करेगा वो आइडेंटिकल कभी हो ही नहीं सकता। लाइट के दो सोर्स कभी भी आइडेंटिकल हो ही नहीं सकते, क्योंकि नॉर्मली लाइट जो इमिट होती है ना वो इंडिविजुअल एटम के ऑसिलेशंस की वजह से होती है, तो ऑसिलेशंस आइडेंटिकल होते ही नहीं कभी, तो इंडिविजुअल लाइट का सोर्स कभी भी कोहेरेंट नहीं होता, है ना। कि भाई ये आप पाएगा बेटा डार्क फ्रिंज बन सकता है, मैंने ये बोला है यहाँ पे क्या डार्क फ्रिंज बन सकता है, जहाँ पे भी डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है ना वहाँ पे डार्कनेस आ जाती है, लेकिन ऐसा हम ऑब्जर्व नहीं करते, ऐसा हम ऑब्जर्व नहीं करते ना, ये आप पाएगा सब। अब हम आते हैं, इस चीज को छोड़ देते हैं कि भाई नॉर्मल इंडिविजुअल सोर्स में तो कभी इंटरफेरेंस जो होगा वो होगा, लेकिन वो परमानेंट नहीं होगा, तो एवरेज इंटेंसिटी हमेशा आई वन प्लस आई टू ही हो जाएगी। स्टडी इंटरफेरेंस के लिए आपको कोहेरेंट सोर्स चाहिए, और कोहेरेंट सोर्स का मतलब लाइट का अल्टीमेट सोर्स सेम होना चाहिए तभी वो कोहेरेंट होगा। तो उसके लिए फॉर्मूला वैलिड है ना, इंटरफेरेंस की इंटेंसिटी का फॉर्मूला जो होगा इसके लिए क्या है, बेसिकली आपकी वैलिड है।
तो ये इसी के ऊपर हम फोकस करते हैं। तो अब हम मेन आ जाते हैं जो आपको परफॉर्म करना है, दैट इज योर यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। हाँ, तो उसका सेटअप पहले बनाते हैं हम, जो आपका यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट होगा इसका एक्सपेरिमेंटल सेटअप कैसा होगा। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट और भी होते हैं, ये सिर्फ यही एक्सपेरिमेंट नहीं, और भी एक्सपेरिमेंट होते हैं डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, लेकिन मेनली यही पढ़ना है आपको ज्यादा यहाँ पर, राइट। तो एक्चुअली आपने एक थोड़ा सा वर्ड पढ़ा था डिफ्रेक्शन ऑफ लाइट, तो डिफ्रेक्शन ऑफ लाइट क्या होता था, व्हाट इज डिफ्रेक्शन, डिफ्रेक्शन इज द स्प्रेडिंग ऑफ लाइट, कि जब भी लाइट किसी नैरो ओपनिंग से पास होगी तो एक्चुअली स्प्रेड होगी, और उसी स्प्रेडिंग एक्शन को हम क्या बोलते हैं, इसलिए आपका डिफ्रेक्शन, तो स्प्रेडिंग ऑफ लाइट को ही कॉल्ड एज ए डिफ्रेक्शन, तो नॉर्मली डिफ्रेक्शन भी इसमें यूज होगा। तो यंग्स ने क्या किया ना, एक सिंपल एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, मतलब ये चीज करने में टाइम बहुत लग गया प्रिसाइसली, लेकिन अदरवाइज चीजें बहुत सिंपल है। तो उसने यहाँ पे एक कार्डबोर्ड ले लिया ऐसा, है ना, एक इस तरह से कार्डबोर्ड ले लिया कोई ऐसा, इसके पैरेलल में एक और कार्डबोर्ड ले लिया, दिस द एक्सपेरिमेंटल सेटअप, है ना, इसके पैरेलल में आपका एक और कार्डबोर्ड आ गया, है ना, और इसके पैरेलल पे यहाँ पे एक स्क्रीन आ गई जिसपे आपको इंटरफेरेंस पैटर्न ऑब्जर्व करना है। यहाँ पे क्या हो गया, इसलिए आपका उसने एक स्क्रीन प्लेस कर दिया लाइक दैट, सारी पैरेलल चीजें हैं, ये सारी चीजें हैं, क्या है बेसिकली आपके पैरेलल, ये फर्स्ट कार्डबोर्ड, सेकेंड कार्डबोर्ड, स्क्रीन, ये जो चीज है दैट इज योर स्क्रीन है, है ना, जिसपे हम स्क्रीन पैटर्न ऑब्जर्व करेंगे, तो भाई मीडियम होगा तभी तो ऑब्जर्व कर पाएंगे, है ना, कि भाई स्क्रीन का पैटर्न ऑब्जर्व करेंगे, है ना। यहाँ पे ऐसा आ गया कि उसने क्या किया ना, यहाँ पे स्लिट्स बना लिए, कि इस तरह से कट कर दिया कार्डबोर्ड को बीच में, इसी को हम बोलते हैं स्लिट, है ना, इसमें इसने डबल स्लिट बना दिया, दैट्स व्हाई वी कॉल इट एज अ डबल स्लिट, ये आपका डबल स्लिट आ गया, है ना, कि भाई एक सिंगल स्लिट एक कार्डबोर्ड में था, एक कार्डबोर्ड में क्या हो गया, इसलिए आपका डबल स्लिट आ गया, और स्लिट बहुत छोटा होता है, है ना, साइज ऑफ स्लिट इज वेरी स्मॉल, साइज ऑफ स्लिट इज वेरी स्मॉल, ये बहुत छोटा साइज है, और ये तो स्क्रीन है, तो बड़ा सरप्राइजिंग चीज वो देखता है, वो ये देखता है कि यहां पे अगर मैं कोई सोर्स ऑफ लाइट रखूं एस, तो ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स तो ये बोल रही थी, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स जो आपने पढ़ा था वो तो ये बोलती थी कि लाइट रेक्टिलिनियर प्रोपोगेट होगी, जब तक मीडियम ये नहीं होगा बैंड नहीं होगी, तो उसके अकॉर्डिंग, तो ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स के अकॉर्डिंग तो ऐसा होना चाहिए था, है ना, तो भाई स्लिट को थोड़ा सा नीचे बना लो, थोड़ा सा और नीचे बना लेते हैं स्लिट को, है ना, कि भाई ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स की थ्योरी ये बोलती है कि भाई ये सारे आइडेंटिकल स्लिट्स हैं, है ना, स्लिट्स का जो शेप है वो कैसा है, आपका आइडेंटिकल है, तो ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स की थ्योरी तो ये बोलती है कि स्क्रीन पे कोई लाइट आने नहीं चाहिए, क्योंकि लाइट अगर सोर्स से कहीं से स्ट्रेट लाइन के अलोंग जाएगा तब तो जो भी ब्राइटनेस होगी यहाँ पे होगी ना, इस कार्डबोर्ड के ऊपर, यहाँ लाइट कहाँ से पहुंच जाएगी, है ना, लेकिन बड़ा सरप्राइजिंग चीज वो देखता है कि ऐसा करने पे यहाँ से लाइट पास होती है और यहाँ से पास होती है, तो यहाँ पे उसको इंटरफेरेंस पैटर्न मिल जाता है, अल्टरनेट ब्राइट एंड डार्क बैंड ऑफ लाइट आ जाता है, ही हैज ऑब्जर्व्ड एक्सपेरिमेंटली, है ना, कि अल्टीमेटली उसने देखा कि यहाँ पे बैंड ऑफ लाइट आ गए, कि एक ब्राइट हो गया फिर डार्क आ गया, फिर ब्राइट हो गया फिर से आपका क्या आ गया, बेसिकली आपका डार्क आ गया, एकदम आइडेंटिकल, एक ब्राइट आ गया उसके बगल में एक डार्क आ गया, है ना, फिर से ये आपका डार्क आ गया, और अल्टरनेट बेसिकली आपका फिर से एक डार्क ब्राइट आता गया, तो पूरे स्क्रीन पे इस तरह से फ्रिंज पैटर्न आ जाता है। तो ये बड़ी सरप्राइजिंग चीज थी उस टाइम के लिए, कि भाई जो भी वेव थ्योरी को नहीं मानता था, है ना, उसके अकॉर्डिंग ये जो चीज थी ये बहुत सरप्राइजिंग थी, है ना, कि अल्टरनेटली डार्क एंड ब्राइट क्यों आ रहा है, है ना, इसी को हम बोलते हैं फ्रिंज पैटर्न, फ्रिंज पैटर्न, है ना, इसमें जो व्हाइट शो किया है वो आपका ब्राइट फ्रिंज है, और मैंने जो डार्क शो किया वो डार्क फ्रिंज है,
है ना, तो पहले के साइंटिस्ट के पास इसका एक्सप्लेनेशन नहीं था, कि जो भी ऑप्टिक्स को बिलीव नहीं करता था कि वेव नेचर ऑफ लाइट होता है उसके पास कोई एक्सप्लेनेशन है ही नहीं भाई, ज्योमेटिकल ऑप्टिक्स में तो इसको हम एक्सप्लेन कर ही नहीं पाएंगे भाई, सीधी जा रही यहाँ रुक जाएगी जाके, यहाँ पे ब्राइटनेस आ जाएगी, यहाँ कैसे आ गया, ये सब चीज कैसे बन गई, है ना। तो एक्चुअली मैंने बोला है साइट इज स्लिट इज वेरी स्मॉल, तो जब साइट स्लिट स्मॉल हो गई ना तो लाइट स्प्रेड होती है, ये सीधे नहीं जाती, लाइट स्प्रेड एंड दिस फिनोमेना इज कॉल्ड डिफ्रैक्शन, कॉल्ड डिफ्रैक्शन, है ना, कि लाइट स्प्रेड होती है उसी फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं, इसलिए आपका डिफ्रैक्शन बोलते हैं। तो हम बोलेंगे जब भी यहां से लाइट पास होगी ना, ये लाइट सीधे नहीं जाएगी, बल्कि अगर बहुत छोटे साइज का कोई स्मॉल है तो यहाँ पे लाइट स्प्रेड हो, है ना, इसी स्प्रेडिंग एक्शन को हम डिफ्रेक्शन बोलते हैं। तो लाइट वेव, अगर वेव है तो उसकी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी डिफ्रेक्ट हो, क्योंकि साउंड डिफ्रेक्ट हमेशा करता है। आप देखो किसी होल में, अगर रूम में कोई होल है बहुत छोटा सा, अगर आप वहां पे आवाज निकालोगे तो क्या सीधे खड़े हुए आदमी को सुनाई देगा? नहीं, वो तो रूम में कहीं भी आदमी खड़ा होगा सुनाई देगा ना, मतलब लाइट डिफ्रेक्ट है तो हुआ, डिफ्रेक्ट का मतलब पूरे रूम में फैल जाएगा, तो ऐसे लाइट भी डिफ्रेक्ट होती है ना, कि लाइट भी क्या होती है, डिफ्रेक्ट होती है, सीधी नहीं जाएगी, वो तो ज्योमेटिकल ऑप्टिक्स की लिमिटेशन मैंने बताई थी, उसमें साइज जो होता है बहुत बड़ा होता है तो डिफ्रेक्शन नेग्लिजिबल होता है, तो ये इस तरह से स्प्रेड हो जाएगी, और इसी स्प्रेडिंग एक्शन को हम क्या बोलते हैं, इसलिए आपका डिफ्रेक्शन, ये इस तरह से। और जितना नैरो स्लिट होगा डिफ्रेक्शन उतना ही ज्यादा होगा, स्लिट जितना आप नैरो बनाओगे डिफ्रेक्शन की वैल्यू उतनी ज्यादा होगी, डिफ्रेक्ट हो जाएगी, है ना, इस तरह से लाइट डिफ्रेक्ट हो गई। और जब डिफ्रेक्ट होगी तो ये जैसे कोई स्लिट है, ये स्लिट को मैं S1 बोल रहा हूँ, इसको मैं S2 बोल रहा हूँ, तो इससे फिर से डिफ्रेक्ट होगी, तो फिर से डिफ्रेक्ट होगी, यहाँ पे जब इससे पास होगी तो अगेन ये डिफ्रेक्ट होगी। हाइगेंस ने यही तो बोला था कि हर पॉइंट जो वेव फ्रंट का होगा सोर्स ऑफ सेकेंडरी वेवलेट होगा, तो वहां पर इंडिविजुअल हर डायरेक्शन में चीजें जाएंगी, तो फिर से यहाँ डिफ्रेक्शन हो गया, ये इस तरह से आपका यहां से भी स्प्रेड हो गई लाइट, है ना, इस तरह से आपकी स्प्रेड होती है लाइट, है ना, इससे भी आपका आ गया, लाइट स्प्रेड हो गई, ये आपका ऐसा हर डायरेक्शन में, है ना, कि स्प्रेडिंग होगी तभी तो इंटरफेरेंस होगा, बिना स्प्रेडिंग के इंटरफेरेंस कैसे होगा। तो आप देखो ये लाइट अब सुपर इम्पोज हो रही है ना, लाइट सुपर इम्पोज ऐसे नहीं स्क्रीन पे सिर्फ हो रही है, ये बीच में भी हो रही है, यहाँ दोनों मिलेंगी, यहाँ भी दोनों मिलेंगी, तो जहां जहां दोनों मिलेंगे, चाहे वो एयर में मिले चाहे स्क्रीन पे मिले, वहां पे इंटरफेरेंस होगा। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि S1 एक सोर्स है और X2 एक सोर्स है, तो क्या ये कोहेरेंट होंगे, वेदर S1 एंड S2 आर कोहेरेंट? Yes, sir, because they are coming from the same. Okay, ultimately source तो सेम ही है, ये आ गया S1 and S2 are coherent. कि भाई जो भी फेज चेंज इस सोर्स में होगा वो S1 S2 दोनों में हो जाएगा, तो जो भी फेज डिफरेंस रहेगा वो कांस्टेंट रहेगा, तो S1 S2 coherent होंगे, तो जब coherent का सुपर पोजिशन होगा तो कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव हो सकता है, कि अब इसके लिए फॉर्मूला वैलिड है, इंटेंसिटी की जो वैल्यू होगी सिर्फ I1 + I2 नहीं होगी, बल्कि I1 + I2 √I1 I2 cos φ हो जाए, तो बेस्ड ऑन द φ, कि जहां पे φ की वैल्यू हम जीरो ले लेंगे वहां पे इंटेंसिटी मैक्सिमम हो जाएगी, तो इंटरफेरेंस कंस्ट्रक्टिव हो जाएगा, और जहां पे φ की वैल्यू हम पाई ले लेंगे वहां पे डिस्ट्रक्टिव हो जाएगा, और भी हो सकता है, लेकिन कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव का मतलब ये, तो ये चीज उसने ऑब्टेन कर दी, तो यहीं से वेव नेचर आ गया, अगर इंटरफेरेंस कर रहा है तो जैसे साउंड होता है वैसे लाइट भी है, दोनों वेव है, तो एक्सपेरिमेंटली इसने YDSC ने ना वेव नेचर को वेरीफाई कर दिया, भाई वेव नेचर का जो पर्पस है वो YDSC का जो मेन पर्पस है एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ इंटरफेरेंस, है ना, ये एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन है, वेरिफिकेशन ऑफ वेव नेचर,
ऑफ वेव नेचर. वेव नेचर ऑफ लाइट का ही एक्सपेरिमेंटल क्या है बेसिकली आपका वेरिफिकेशन. तो ये एक्सपेरिमेंटल सेटअप था है ना, लेकिन हम इतना कुछ चीजें नहीं बनाएंगे. अब इसका जस्ट क्रॉस सेक्शन बना देंगे. तो पहले आप ये लिख लो, सर कैन यू शो द प्रीवियस पेज फॉर अ सेकंड. अभी मैं इसको कर लेता हूं. अभी शो करता हूँ, पहले इसको लिख लेना बच्चों को. हाँ मतलब जितना ज्यादा छोटा सा स्लेट का डिफ्रेक्शन उतनी ज्यादा होता है. मतलब हम सोचते हैं ना कि भाई छोटा साइज कर देंगे तो पेंसिल ऑफ लाइट जाएगी, ऐसा नहीं. जितना छोटा करोगे उतनी ज्यादा स्प्रेड होती है ना, यही होता है. नहीं सर तो उल्टा पुलटा ऑब्जर्वेशन आने लगा ना, वो वेव नेचर ऑफ लाइट आ गई. ये तो हम तो न्यूटन के साथ ही खोजते, सिंपल सा सीधे जा रही है लाइट, क्या दिक्कत था. मिरर से इमेज बनाओ, लेंस से इमेज बनाओ, प्रिज्म पढ़ लो. द सेकंड पेज, फर्स्ट पेज पे हम आ जाते हैं. फर्स्ट पेज को अपने इस हेडिंग के अंदर लिखा ना कि बाय कैन वी नॉट सी डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. मतलब ये इसका टाइटल ये है, व्हाई वी डोंट सी इंटरफेरेंस इन नॉर्मल लाइफ. नॉर्मल लाइफ में ऐसे क्यों नहीं होता कि दो बल्ब जलाया तो कहीं पे ऐसा स्क्रीन पे डार्क एंड बैंड बन गए. नहीं बन जाता, बढ़िया रहता, डेकोरेशन अच्छी हो जाती. ये बनता है नहीं ना. हाँ हम पढ़ेंगे उसके बारे में, जो बैंड बन रहा है यहाँ पे, पैटर्न बन रहा है उसके बारे में पढ़ेंगे, है ना. तो इस तरह से ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस बन जाते हैं. तो ये पूरा का पूरा यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का सेटअप है, और मेनली इसका पर्पस वही है कि हाउ टू ऑब्टेन द टू कोहेरेंट सोर्स. तो टू कोहेरेंट सोर्स को ऑब्टेन करने का एक ही तरीका है, सिंगल सोर्स की लाइट को डिवाइड कर दो तो कोहेरेंट हो जाए, और कोई दूसरा मेथड नहीं. सिंगल सोर्स की लाइट को हम क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं, तो कोहेरेंट सोर्स मिल सकता है. अब हम आ जाते हैं थोड़ा सा जो इस चीज को सिंपल करते हैं. कितना 3D वाला फिगर नहीं है, बल्कि हम अब फिगर जो बनाएंगे वो इसका क्रॉस सेक्शन बनाएंगे, है ना. कि हमेशा हम जो इसका फिगर बनाएंगे वो इस तरह से नहीं, बल्कि इसका क्रॉस सेक्शन ऐसे बनाएंगे, है ना. और अब बाकी पूरे सेटअप से आपको क्या मतलब, आप तो कुछ चीजें ही कंसर्न होगी आपकी कि भाई यहाँ पे आपका इस तरह से कार्डबोर्ड था, ये ऐसा है. यहाँ पे क्या था कि आपके दो स्लिट्स थे, इसके सामने आपने एक स्क्रीन रख दी, जस्ट उस चीज का क्रॉस सेक्शन है. जो 3D फिगर था उसका क्रॉस सेक्शन है ये आपकी स्क्रीन आ गई, है ना. अब आपको पता है कि सोर्स वन ये है और सोर्स टू ये है. तो जैसे पैरेलल बीम ऑफ लाइट यहां से पास होगी, यहां से कोई भी पैरेलल बीम ऑफ लाइट आप पास करो ऐसे इस पूरे सेटअप से, या दूसरे तरह की भी लाइट पास होगी, मान लो पैरेलल ही ले लेते हैं. पैरेलल बीम ऑफ लाइट से अगर हम स्क्रीन पे इस तरह से इसको फोकस करें, है ना, कि कोई भी पैरेलल बीम ऑफ लाइट पास होगी तो ऐसा थोड़ी है कि ये पैरेलल ही चली जाएगी, बल्कि स्प्रेड हो जाएगी इस तरह से पूरे जगह पे. ये क्या हो गया, इसलिए आपकी स्प्रेड हो जाएगी, है ना. इसी स्प्रेडिंग एक्शन को हम डिफ्रेक्शन बोलते हैं, क्योंकि डिफ्रेक्शन नहीं होगा तो इंटरफेरेंस भी कैसे होगा. आपको दोनों को मिलाना तो पड़ेगा ना, तो दोनों मिलेंगे तब जब डिफ्रेक्शन होगा, तो उस तरह से डिफ्रेक्ट हो गया, है ना. यहाँ से भी बेसिकली आपकी डिफ्रेक्ट हो गया सर. और जब ये डिफ्रेक्ट होगा तो दोनों इंटरफेरेंस सुपर पोजिशन होगा, और सुपर पोजिशन की वजह से क्या होगा,
आपका इंटरफेरेंस हो जाएगा, ये पूरा सेटअप है। यहाँ पे आपको ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस बन जाएंगे। तो हम क्या करते हैं ना, इसको इंटेंसिटी के टर्म्स में लिखते हैं। यहाँ पे मैं इंटेंसिटी का एक ग्राफ बना लेता हूँ, तो भाई आपको पता है कि अगर स्लिट का साइज सेम है, इफ साइज ऑफ स्लिट बोथ स्लिट इज सेम, सेम है, तो इससे जो इंटेंसिटी प्रोड्यूस होती है वो भी सेम होती है। इस केस में आई वन इज इक्वल टू आई टू हो जाता है ना, मतलब इंटेंसिटी जो होती है ना साइज ऑफ द स्लिट के ऊपर डिपेंड करती है। तो अगर दो स्लिट का साइज सेम है तो इंटेंसिटी की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। और अगर इंटेंसिटी सेम होगा तो जो मैक्सिमम इंटेंसिटी होगी ये फोर टाइम्स ऑफ इंडिविजुअल इंटेंसिटी हो जाएगी, है ना, और जो मिनिमम इंटेंसिटी होगी ये आपकी जीरो हो जाएगी, है ना, स्लिट साइज अगर सेम है तो। अगर स्लिट का साइज सेम नहीं है, इफ साइज ऑफ स्लिट इज नॉट सेम, आर नॉट सेम, तो वो जो इंटेंसिटी प्रोड्यूस करेंगे वो भी सेम नहीं होगा। आई वन विल नॉट बी इक्वल टू आई टू, है ना, अगर आई वन आई टू के इक्वल नहीं होगा तो मैक्सिमम इंटेंसिटी फिर ये नहीं होगी ना, मैक्सिमम इंटेंसिटी तो ये हो जाएगी रूट आई वन प्लस रूट आई टू का होल स्क्वायर, और जो मिनिमम इंटेंसिटी होगी वो भी जीरो नहीं होगी, ये आपका हो जाएगा रूट आई वन माइनस रूट आई टू का होल स्क्वायर, है ना। लेकिन साइज ऑफ द स्लिट सेम होता तो इंटेंसिटी की वैल्यू सेम होती है, तो मतलब इंटेंसिटी डिपेंड करता है साइज ऑफ द स्लिट के ऊपर। एक्चुअली में क्या होती है कि जो इंटेंसिटी आई होती है, जो ये स्लिट इसकी लोकेशन में प्रोड्यूस करेंगी, है ना, इंटेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ स्लिट, है ना, कि साइज ज्यादा होने का मतलब उसका एरिया ज्यादा है, तो एरिया ज्यादा होगा तो इंटेंसिटी कम होगा, है ना, सॉरी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली गलत लिख रहा हूं इसमें, जितना ज्यादा एरिया होगा इंटेंसिटी उतनी ज्यादा होगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ स्लिट, एरिया ऑफ स्लिट, है ना, कि भाई अगर एरिया ज्यादा होगा तो ज्यादा लाइट यहाँ से बाहर निकलेगी ना, ज्यादा बाइट लाइट बाहर निकलेगी मतलब इंटेंसिटी ज्यादा प्रोड्यूस करेंगे, और एरिया कम होगा मतलब इंटेंसिटी कम होगी। तो यूजली क्या होता है, साइज सेम होता है ना, कि जब भी हम वाईडीएसए की बात करते हैं तो यूजली दोनों के साइज क्या होती है, सेम होती है, दोनों सेम इंटेंसिटी प्रोड्यूस करती है, तो मैक्सिमम इंटेंसिटी फोर आई वन हो जाएगा, मिनिमम क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं ना, यहाँ पे जैसे मैंने बैंड बना लिया, तो बैंड नहीं बना के ना हम इंटेंसिटी का डायग्राम बना लेते हैं, भाई जब इंटरफेरेंस यहाँ पे होगा तो हम इंटेंसिटी का एक ग्राफ बना लेते हैं ऐसे, ये इंटेंसिटी को शो कर रहा है कि जो वो आपके फ्रिंजेस बन रहे हैं उसके इंटेंसिटी का ये डायग्राम है ना, कि इंटेंसिटी का ये क्या बेसिकली आपका डायग्राम है। तो जहां पे ये जैसे पीक बन गया तो यहाँ पे हम बोलेंगे मैक्सिमा फॉर्म होगी, ये लोकेशन किसकी हो जाएगी, मैक्सिमा की, और जहां पे इंटेंसिटी जीरो हो गई यहाँ पे क्या फॉर्म हो जाएगा, बेसिकली आपका मिनिमा फॉर्म, है वही चीज है कि मतलब मैं इसको एज ए ग्राफिकली शो कर रहा हूँ कि जहां पे ब्राइटनेस होगी वहां पे इंटेंसिटी बढ़ जाएगी, मतलब उसकी इंटेंसिटी को मैंने ज्यादा शो कर दिया, और जहां पे डार्कनेस होगी वहां पे इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। लेकिन इंटेंसिटी जो जीरो होती है, जैसे आपने बोला यहाँ की इंटेंसिटी फोर आई वन है और यहाँ की इंटेंसिटी जीरो है, तो एकदम से फोर आई वन से जीरो थोड़ी हो जाएगी, अगर फोर आई वन है तो इससे ग्रेजुअली डिक्रीज होगी, है ना, ये जो ग्राफ है ये इंटेंसिटी का ग्राफ है, वेरिएशन ऑफ इंटेंसिटी आफ्टर सुपरपोजिशन, आफ्टर सुपरपोजिशन या आफ्टर इंटरफेरेंस लिखिए, वेरिएशन ऑफ इंटेंसिटी आफ्टर इंटरफेरेंस, इंटरफेरेंस। तो फोर आई वन से जीरो एकदम थोड़ी हो जाएगा, फोर आई वन से कहीं पे थ्री आई वन भी आया होगा, कहीं पे टू आई वन भी आया होगा, आई वन भी आया होगा, फिर जीरो हो जाएगा, फिर बढ़ेगा। सर आई मैक्स फोर आई वन इक्वल तब होगा जब स्लिट्स इक्वल होंगे ना? हाँ स्लिट्स इक्वल, यूजली होता है ऐसा है वाईडीएसई में ना, यूजली स्लिट साइज इज सेम, लेकिन अलग हो भी सकता, तो आई मैक्सिमम फोर आई वन हो जाएगा, यहाँ पे मैक्सिमम जहाँ पे बन रहा है वहाँ पे इंटेंसिटी फोर आई वन हो गई, और इंटेंसिटी ग्रेजुअली डिक्रीज होगी और जीरो हो जाएगी,
फिर ग्रेजुअली इंक्रीज होकर फिर से फोर आई वन, फिर से जीरो, बहुत सारे बैंड बन जाएंगे ऐसे ब्राइट एंड डार्क। भाई यहाँ पे आप देखो इस लोकेशन पे ब्राइटनेस ज़्यादा होगी ना, इस पूरे जगह पे इंटेंसिटी ज़्यादा है तो यहाँ की चीज़ ब्राइट दिखेगी आपको, जहाँ पे ये चीज़ आएगी यहाँ पे इंटेंसिटी कम होगी तो यहाँ पे डार्कनेस दिखेगी आपको। ब्राइट बना डार्क बना, ब्राइट बना डार्क बना, इस तरह से बनते जाएगा, है ना। तो मतलब वही है कि मैक्सिमा से मिनिमा एकदम से नहीं हो जाता है, बल्कि एक वेरिएशन जो है वो कंटिन्यूअस है ना। तो ये एक्सपेरिमेंटल सेटअप है इसका, है ना। तो हम करते हैं इस तरह से। तो 3i1 मिनिमा पे है ना? नहीं, 3i1 मिनिमा पे नहीं है, जो मैक्सिमा है ना उसके क्लोज में कोई दूसरा पॉइंट 3i1 हो गया, मिनिमा पे तो जीरो है भाई, मिनिमम इंटेंस पे तो जीरो होगी ना वो, यहाँ पे 3i1 है। इसके बाद में एक पॉइंट और भी होगा वहाँ, 2i1 भी हो सकता है, वो तो डिपेंड करता है कितना फेज डिफरेंस है, उसके अकॉर्डिंग इंटेंसिटी 4i1 से जीरो के बीच में कुछ भी हो सकता है। मैक्सिमा पे 4i1, मिनिमा पे जीरो, उसके बीच में इंटेंसिटी वेरिएबल वेरिएशन पॉसिबल, उसी का मैंने ग्राफ बनाया हुआ है, उसी का मैंने यहाँ पे क्या बनाया हुआ है, ग्राफ बनाया हुआ है। तो ये थोड़ी सी इसकी चीजें होती है। और इंटेंसिटी जो होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ द स्लिट होगी, है ना। एरिया अगर ज़्यादा है ना तो इंटेंसिटी भी ज़्यादा होगी, जैसे मान लो एक स्लिट का एरिया डबल है दूसरे के, तो एक की इंटेंसिटी अगर I1 है दूसरे के 2I1 होगी, है ना। एरिया के ऊपर डिपेंड करता है। अब यहाँ पे आता है थोड़ा सा मैथमेटिक्स, भाई अब तक जो मैथमेटिक्स था सिर्फ ये फॉर्मूले में ही आया था, इसके अलावा तो हमने कोई मैथमेटिक्स अभी डिस्कस किया ही नहीं। भाई मैंने बोला कि भाई जैसे ये चीज आ गई, करंट सोर्स आ गया, नाउ दिस फॉर्मूला इज वैलिड, और इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ब्राइट फ्रिंज और डार्क फ्रिंज की इंटेंसिटी होगी, ब्राइट फ्रिंज की 4i1 हो जाएगी, इसकी 0 हो जाएगी, अगर सेम नहीं है तो ये होगा। अब हम आते हैं मैथमेटिक्स के ऊपर कि भाई जब हम इसको परफॉर्म करते हैं तो एक्चुअली में आपका पर्पस ये होता है इसमें कि जो ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस बन रही हैं उसकी पोजीशन क्या होगी। अब हम ये जानना चाहते हैं कि व्हाट इज द पोजीशन ऑफ ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस ऑन स्क्रीन, ये हम पढ़ना चाहते हैं। सर प्रीवियस पेज अभी डांसर इसका कहीं से यूट्यूब से वीडियो वगैरह भी देख लेना एक आधर, ऐसा इंटरफेरेंस होता है तो आपको ज्यादा अच्छा लगेगा, क्योंकि मॉड फिजिक्स सब यही तो होती है, हायर ऑर्डर फिजिक्स में यही सब चीजें ज्यादा पढ़ते हैं। मैकेनिक्स वगैरह तो बहुत पुरानी चीज हो गई ना, वो तो सबको पता ही है ना, इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म भी सबको पता है, तो नई चीज जो आई है वो ये सब चीज है, वेव ऑप्टिक्स, मॉडर्न फिजिक्स, ये सारी चीज, तो ये बड़ा फैसिनेट करती है चीजें आपको। यहाँ पे आ गया तो हम यहाँ पे पढ़ते हैं, वैसे कि आपका अब आपका पर्पस ये है कि पोजीशन ऑफ है ना मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑन स्क्रीन, भाई स्क्रीन पे जो मैक्सिमा मिनिमा होगी उसकी पोजीशन हम निकालें कैसे। भाई मैक्सिमा बन रहा है तो कितने डिस्टेंस पे बन रहा होगा, मिनिमा बन रहा है तो कितने डिस्टेंस से बन रहा होगा, है ना। तो वो निकालना मेन पर्पज होता है इसका। तो उसके लिए अब हम क्या करते हैं कि बाकी अब चीजें प्लॉट करने की जरूरत नहीं है आपको, आप यहाँ पे स्क्रीन प्लॉट कर लो और दो स्लिट्स आपको ये तो चाहिए, अल्टीमेटली कहीं स्लाइड्स
कहीं से आई रही होगी पीछे सेम सोर्स से, हाँ तो दोनों कोहेरेंट सोर्स हो गए एस वन एंड एस टू। और मैंने यहाँ पे एक सेंट्रल लाइन ले ली एकदम इसके बीच में, ऐसे सेंट्रल लाइन ले ली मैंने ऐसे, है ना, और यहाँ पे कोई पी पॉइंट ले लिया। तो आपको पता है कि एस वन से भी पी पे लाइट पहुंचेगी और एस टू भी पहुंचेगी, वैसे पहुंचेगी तो पूरे स्क्रीन पे हर जगह पे, लेकिन हम कोई पॉइंट सेलेक्ट कर लेते हैं। तो हम ये जानना चाहते हैं कि पी पॉइंट पे जब लाइट पहुंचेगी एस वन एंड एस टू से, तो अगर इंडिविजुअल इंटेंसिटीज दोनों की सेम है तो यहाँ पे पी पॉइंट पे रिजल्टेंट इंटेंसिटी क्या होगी। तो मेन पर्पस वही है कि व्हाट इज रिजल्टेंट इंटेंसिटी एट पॉइंट पी, तो एट पी पॉइंट पे रिजल्टेंट इंटेंसिटी कितनी होगी। तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी निकालने के लिए आपको पता है रिजल्टेंट इंटेंसिटी तो हम इस फॉर्मूले से निकालेंगे, है कि रिजल्टेंट इंटेंसिटी जो आप निकालोगे वो इस फॉर्मूले से आप निकालोगे 4i1 cos स्क्वायर 5/2, है ना, क्योंकि स्लिट साइज सेम है इसलिए नॉर्मली मैंने i1 4i वाला फॉर्मूला यूज कर लिया। मतलब रिजल्टेंट इंटेंसिटी के लिए आपको फाइव चाहिए होगा और फाइव आपका आएगा पार्ट डिफरेंस से, जो फाइव की वैल्यू होती है 2π/λ (Δx). मतलब पहले आपको निकालना पड़ेगा कि S1 से P पे पहुंची और S2 से P पहुंची तो कितना पाथ का डिफरेंस है, उससे फेज आएगा, फेज को यहाँ पुट करेंगे इंटेंसिटी आ जाएगी। तो हम ये P पॉइंट पे पाथ डिफरेंस कैसे निकालें, तो पाथ डिफरेंस के लिए कुछ चीजें दी होती हैं, जैसे एक कैपिटल D आपको दिया हुआ है और एक आपको स्मॉल D दिया हुआ है और P पॉइंट की लोकेशन Y दी हुई है, ये चीजें दी हुई है। तो कैपिटल डी जो है दिस इज द सेपरेशन बिटवीन स्लिट एंड स्क्रीन, बिटवीन स्लिट एंड स्क्रीन, है ये जो सेपरेशन है स्लिट और स्क्रीन के बीच का सेपरेशन है ना, और स्मॉल डी जो है ना ये सेपरेशन बिटवीन स्लिट है, है ना, कि स्मॉल डी जो है स्लिट के बीच का सेपरेशन। और एक और भी चीज होगी वेवलेंथ ऑफ लाइट दिया होगा, वेवलेंथ ऑफ लाइट, एक मोनोक्रोमेटिक लाइट ले ली मैंने, वैसे वाइट भी ले सकते थे ये मैंने मोनोक्रोमेटिक ले लिया। तो तीन चीजें आपको दी हुई है और इसको ऑरिजिन ले लिया आपने, कि भाई इन दोनों को जो बाइसेक्ट करती हुई लाइन है वो यहाँ पे स्क्रीन को कट कर रही होगी, वही ऑरिजिन है। तो जो भी हम पोजिशन निकालेंगे इसी से निकालेंगे। मेन चीज है, मुझे पर्पस ये है कि इस फॉर्मूले से इंटेंसिटी निकाला तो मुझे फाई चाहिए, फाई चाहिए तो आपका डेल्टा एक्स चाहिए, तो डेल्टा एक्स हम कैसे निकालेंगे, तो उसकी सिंपल सी एक टेक्निक होती है। तो मैं डेल्टा एक्स निकालने के लिए क्या करूंगा ना, थोड़ा सिंपल करूंगा ऐसे में, भाई डेल्टा एक्स का मतलब इंडायरेक्टली ये निकालना है आपको एस टू पी माइनस एस वन, कि भाई ये कुछ डिस्टेंस होगी डिफरेंस तो डेल्टा एक्स होगा। तो मैं क्या करूंगा, यहां से एक डॉटेड लाइन लगा लूंगा इसके सेंटर से उस पी पॉइंट तक, और ये एंगल मैंने डिफाइन कर दिया कोई थीटा है, हाँ यहाँ पे मैंने एंगल क्या डिफाइन कर दिया जैसे आपका थीटा है। और फिर मैंने क्या किया, ये थीटा डिफाइन करने के बाद यहां से एस वन से ये जो एस टू का पाथ है उसके ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, वही एस वन स्लिट से जो एस टू पी पूरा का जो पाथ जा रहा है ऐसे, है ना, वेव को एज ए सिंपल हम ऐसे शो कर देते हैं, यहाँ पे एक प्रपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया। तो आपको ये प्रपेंडिकुलर सपोज जहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है वो एस टू डैश, तो आप देखो एस टू पी की वैल्यू तो एस वन पी से ज्यादा है, लेकिन आप ये देखो कि जो एस वन पी है और एस टू डैश पी है ये तो ऑलमोस्ट सेम होंगे ना। मैंने पहला अप्रोक्सीमेशन लिया कि अगर कैपिटल डी की वैल्यू स्मॉल डी से बहुत ज्यादा है, कि कैपिटल डी सपोज आपकी मीटर में है और स्मॉल डी जो मिलीमीटर में है, तो हम ले सकते हैं कि जो S2 S1 P होगा। सर ये पॉइंट P पे मेजर कर रहे हैं सब ना? हाँ पॉइंट P पे, पॉइंट P पे मेजर कर रहे हैं ना? हाँ सारी चीजें पॉइंट P पे निकाल रहे हैं, हम ये निकाल रहे हैं कि जब सुपर इम्पोजिशन यहाँ पे होगा तो वहां पे रिजल्टेंट इंटेंसिटी क्या होगा।
वहां मैक्सिमम बनेगा, मिनिमम बनेगा या कुछ और बनेगा? क्योंकि अभी आपने बोला है इंटेंसिटी कहीं पे भी 4y1 और 0 के बीच में बदल सकती है, तो 4y1 होगा, 0 होगा या 3y1 होगा या कुछ और होगा, वो निकालना है। तो मैं वहां पर पार्ट डिफरेंस निकाल रहा हूँ। मैं बोलूंगा अगर ये चीज है तो ऑलमोस्ट देखो S1P और S2' P सेम होंगे, है ना? तो जो भी पार्ट डिफरेंस होगा ये वाले डिस्टेंस हो जाएगी ना, जो भी यहाँ पे पार्ट डिफरेंस होगा वो तो जस्ट आपकी ये वाले डिस्टेंस हो जाएगी डेल्टा एक्स, ये तो डेल्टा एक्स हो जाएगा। ये पॉइंट आपने ले लिया S2', ये दोनों अगर सेम है तो डेल्टा एक्स तो यही चीज हो जाएगी। तो मतलब डेल्टा एक्स की वैल्यू का मतलब ये लेंथ आपको निकालनी है, और ये एंगल अगर थीटा है यहाँ पे ये वाला एंगल भी थीटा होगा, तो जो डेल्टा एक्स है ना वो डी के टर्म्स में, स्मॉल डी के टर्म्स में आ जाएगा ना। अब देखो डेल्टा एक्स जो होगा वो डी का वर्टिकल कंपोनेंट ही तो होगा, तो हम बोलेंगे अगर ये ऐसा है तो डेल्टा एक्स की जगह पे हम लिख सकते डी साइन थीटा। वैसे पार्ट डिफरेंस यही होता है अगर हम कोई अप्रोक्सीमेशन नहीं लें, लेकिन अगर हम ये ले लें तो डेल्टा एक्स को लिख सकते हैं डी साइन थीटा। डी स्लिट के बीच का सेपरेशन है और जिस पॉइंट को हम ले रहे हैं उसका थीटा एंगुलर पोजीशन, कितना एंगल पे वो पॉइंट, पार्ट डिफरेंस डी साइन थीटा हो गया। तो अपने यहां से हम इस पे आ गए। अब इसका सेकेंड स्टेप होता है कि अगर इस केस में ऐसा दिया हो कि d की वैल्यू इज वेरी वेरी लार्ज एज कंपेयर टू द वेवलेंथ, जो कि लाइट के केस में होता ही है, लाइट जब भी होगी तो ऐसा होगा ही। d आप कितना लोगे, d सपोज आपने 1 मिलीमीटर ले लिया, लैम्डा कितना होगा 400 नैनोमीटर। अब देखो दोनों में क्या रिलेशन है, बहुत d बड़ा है वेवलेंथ के रिस्पेक्ट में, तो लाइट के केस में तो ऐसा होता ही है हमेशा। लाइट के केस में जो स्लिट की साइज होती है वो वेवलेंथ के कंपैरिजन में बहुत लार्ज होती है। हाँ माइक्रोवेव अगर है कोई तो उसके केस में डी और लैम्डा कंपेरेबल भी हो सकते हैं, क्योंकि माइक्रोवेव की वेवलेंथ मिलीमीटर में भी हो सकती है, क्योंकि विजिबल नहीं है उसके लिए हमारी आई सेंसिटिव नहीं है, लेकिन लाइट के केस में तो हमेशा ऐसा होगा। तो अगर ये होगा ना तो इसका इनडायरेक्टली मतलब होता है थीटा इज वेरी स्मॉल, अगर ये ऐसा होगा इसका मतलब है थीटा की वैल्यू स्मॉल होगी, और अगर थीटा स्मॉल होगा तो साइन थीटा हम ले लेंगे इक्वल टू टेन थीटा, तो स्मॉल एंगल के लिए साइन और टेन सेम होते हैं, तो उस केस में पार्ट डिफरेंस की वैल्यू ये आ जाएगी डी टेन थीटा। तो आप देखना एक्चुअली में ये होता है, अगर हम ये चीज अप्लाई करेंगे तो इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, और अगर हम ये अप्लाई करेंगे तो इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, तो चूंकि ऐसे तो हम लाइटली अप्लाई करते हैं ना तो हमेशा यही होगा डी टेन थीटा हो जाएगा। टेन थीटा निकालना आसान है, इस ट्राइंगल में अगर मुझे टेन थीटा निकालना है तो टेन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी वाई बाई कैपिटल, तो अल्टीमेटली आपका ये आ गया कि भाई जो भी हमने पी पॉइंट सेलेक्ट किया है उस पी पॉइंट पे जो पार्ट डिफरेंस की वैल्यू होगी वो ये है वाई इंटू स्मॉल डी बाई कैपिटल। अगर ये पार्ट डिफरेंस कि वैल्यू यहां पुट करके फेज डिफरेंस आ जाएगा, और फेज डिफरेंस को यहां पुट करके इंटेंसिटी आ जाएगी, हां कि पास से फेज आएगा फेज से इंटेंसिटी आ जाएगी, तो ये आपका केस था, राइट? पहले इसको लिखो क्या हो गया यार, बहुत खुश है कोई? मेनली जो आपको मेमोराइज करना है वो ये करना है सर, ये उस पॉइंट पे जो पार्ट डिफरेंस होगा उसकी वैल्यू होगी।
ठीक ही आ गया। तो ये तो मैंने बता दिया आपको। अब एग्जाम में मान लो आप कि भाई ये पार्ट डिफरेंस का फॉर्मूला ड्राइव करो और आपने ये लिख दिया है ना, ये जो स्टेप्स है ना ये एक्चुअली न्यूमेरिकल सॉल्व करने के हिसाब से बने होते हैं ऐसे, है ना। एनसीईआरटी में सेम चीज, ये भी सही है, इसमें कोई मिस्टेक नहीं है, कुछ अप्रोक्सीमेशन के साथ दिस इज करेक्ट। लेकिन आपको हमेशा एग्जाम में ना एनसीईआरटी का जो मेथड होता है किसी भी डेरिवेशन में उसी को बनाना होता है, बाकी बुक्स में क्या दिया हुआ है उसे मतलब नहीं होता। तो इसी चीज को एनसीईआरटी ने और भी अच्छे तरीके से बताया है भाई, पार्ट डिफरेंस हम पी पॉइंट पे कैसे निकाल सकते हैं वो भी देख लेते हैं, छोटा सा चीज है वो भी। तो यहाँ पे हम आ जाते हैं एनसीईआरटी मेथड, है ना, उन्होंने भी बहुत अच्छा बताया है, आई ऑलवेज लाइक दैट मेथड, है ना। यहाँ पे जाते हैं इसी चीज को शो करने का एनसीईआरटी मेथड क्या है, हाँ तो सेम आपका पर्पस है, तो पर्पस सेम है कि भाई दो स्लिट्स हैं आपकी, है ना, इस तरह से, और ये आपकी स्क्रीन है, बीच में एक इंटरसेक्टिंग लाइन बना लेते हैं और ये आपका ओरिजिन है, ये आपका ऐसा, और किसी पी पॉइंट पे आपको पार्ट डिफरेंस निकालना है, एस वन से लाइट पहुंची एस टू से लाइट पहुंची तो पी पॉइंट पे कितना पार्ट डिफरेंस होगा, मेन पर्पज आपका ये एस वन एंड एस टू, तो आपको निकालना है पार्ट डिफरेंस एस टू पी माइनस एस वन पी कितना होगा। वैसे हम जानते हैं अभी हमने निकाला वही आएगा, लेकिन फिर भी मैं अलग मेथड से ड्राइव करता हूँ। तो मैं क्या करूँगा ना कि एनसीईआरटी मेथड्स में हम क्या करेंगे, जैसे ये डिस्टेंस पी पॉइंट की तो मैंने वाई ले ली, और आपको ये बीस से लाइन जा रही है तो ये डी बाई टू हो जाएगा, ये भी डी बाई टू हो जाएगा और ये भी डी बाई टू हो जाएगा। अब इसमें हम क्या करते हैं ना, सबसे पहले निकालते हैं कि एस टू पी का स्क्वायर किसके इक्वल होगा, मतलब ये एस टू पी होगा इसका स्क्वायर किसके इक्वल होगा। तो आप थोड़ा ध्यान दो कि यहां से अगर मैं ऐसा लाइन ले लूं एक, तो ये डिस्टेंस अगर डी बाई टू है तो ये भी डी बाई टू हो जाएगी। तो आपको हाइपोटेन्यूस निकालना है, परपेंडिकुलर और बेस दोनों पता है आपको, भाई ये तो कैपिटल डी होता ही है और ये आपका वाई प्लस डी बाई टू आ गया, तो स्क्वायर करके अगर ऐड कर देंगे तो ये चीज आ जाएगी। तो पाइथागोरस यूज करके हम लिख सकते हैं ये चीज हो जाएगी वाई प्लस डी बाई टू का स्क्वायर प्लस कैपिटल डी का स्क्वायर, हाँ तो एग्जैक्ट निकाला, अभी मैंने कोई अप्रोक्सीमेशन यूज नहीं किया कि एस टू पी की वैल्यू एग्जैक्टली अगर हम देखें वाई प्लस डी बाई टू और कैपिटल डी का स्क्वायर करके आ जाएगा, ऐसे एस वन पी का स्क्वायर निकाल लेते हैं। एस वन पी के स्क्वायर में आपको पता है यहां से मैं एक लाइन लगा दूंगा ऐसे, ये डिस्टेंस भी डी बाई टू होगी, है ना। तो ये बीच वाला जो डिस्टेंस होगा ये वाई माइनस डी बाई टू हो जाएगा। तो अब इस ट्राइंगल में फिर से पाइथागोरस लगाएंगे, एस वन पी की वैल्यू यहां पर वाई माइनस डी बाई टू है, ये बहुत आसान मेथड है ना, कि उससे तो आसानी है, उसमें तो बहुत अप्रोक्सीमेशन वगैरह लेना पड़ा। अब मैं क्या करूंगा, दोनों को माइनस कर दूंगा, तो एस टू पी का स्क्वायर ले लिया एस वन पी का स्क्वायर ले लिया, दोनों को माइनस कर दिया। तो दोनों को माइनस करेंगे तो बाकी बहुत सारे टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पे टू वाई डी आ जाएगा, बस इतना ही बच जाएगा, है ना। सिंपल से स्क्वायर करके अगर माइनस करूंगा तो सब टर्म कैंसिल ये हो जाएंगे। यहाँ पे थोड़ा सा स्किल उन्होंने यूज किया कि भाई आपको ये थोड़ी निकालना है, आपको निकालना तो ये चीज है पार्ट डिफरेंस कितना होगा, तो इसने इसको ब्रेकअप कर दिया, फैक्टराइज कर दिया, एस टू पी माइनस एस वन पी इन टू एस टू पी प्लस एस वन पी इक्वल टू टू वाई डी आ गया। यहां से एस टू पी माइनस एस वन पी की वैल्यू जो आ जाएगी वो टू वाई डी बाई एस टू पी प्लस एस वन पी आ जाएगी, है ना। तो यहां तक देखो कोई अप्रोक्सीमेशन नहीं है, जो ज्योमेट्री है वो रियल ज्योमेट्री आपने यूज की, यहां पे थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन आता है भाई, अप्रोक्सीमेशन होगा तभी ये चीज आएगी जो हम फॉर्मूला जानते हैं, इफ कैपिटल डी इज वेरी वेरी लार्ज एज कंपेयर टू द स्मॉल डी, अगर कैपिटल डी की वैल्यू हम स्मॉल डी से बहुत ज्यादा ले लें
तो ये वाला जो टर्म है एस टू पी प्लस एस वन पी, इसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेटली ट्वाइस ऑफ डी के इक्वल है, कि भाई इसकी वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, ट्वाइस ऑफ डी के। तो उसने आप तो जैसे हम ट्वाइस ऑफ डी पुट करेंगे तो टू वाई स्मॉल डी बाई टू डी आ जाएगा, तो टू टू कैंसिल, वही पार्ट डिफरेंस आ गया। है ना, तो जो आपने पहले ड्राइव किया था वही चीज आ गई आपकी, वाई इंटू स्मॉल डी बाई कैपिटल डी, यहां भी यही चीज आ गई स्मॉल डी बाई कैपिटल डी। लेकिन आपके मन में कुछ सवाल नहीं है क्या, बहुत सा अटपटा लगा होगा आपको, क्या अटपटा लगा आपको? नहीं नहीं लिख लो आप इसे, लिख लो लिख लो लिख लो आप इसे। आपको क्या अटपटा लगा यहाँ पे इस पूरे चीजों में, आपको क्या थोड़ी सी अलग और चीज लगी उस और लगा आपको? वैसे तो सिंपल है, वैसे हमने सिंपल निकाला, ये आ गया, फैक्टराइज किया, ये चीज आ गई। अब इसकी जगह पे मैंने 2D लिख दिया, ये आ गया। मेन चीज और जो लगता है वो ये है, वही 2D कैसे हो गया, मजाक है क्या कोई? नहीं, डी बाई टू वाला तो सही है, डी बाई टू में तो कोई अटपटा नहीं है यार, ये लाइन अगर बीच में जा रही है, ये डी बाई टू होगा तो ये भी डी बाई टू होगा तो ये भी डी बाई टू हो जाएगा, इसमें क्या ऑड है बिल्कुल भी नहीं। ये पूरी वाई प्लस डी बाई टू होगी, ये कैपिटल डी है तो इतना सा आ जाएगा, ये चीज थोड़ा सा अजीब सा है। तो उसके लिए उन्होंने क्या किया ना, कुछ डाटा ले लिया है एनसीईआरटी में, है ना, एनसीईआरटी में उन्होंने कुछ डाटा ले लिया है, इसमें डाटा ये ले लिया कि उन्होंने कुछ डाटा लेके कर लिया कि भाई डाटा ये ले लिया कि भाई जो कैपिटल डी की वैल्यू है सपोज 100 सेंटीमीटर, स्मॉल डी की वैल्यू उन्होंने ले ली 0.1 सेंटीमीटर और वाई इन्होंने ले लिया 1 सेंटीमीटर, ये डाटा ले लिया कोई भी ऐसा, नॉर्मल केस में यही डाटा होता ही है। और उसके बाद ये चीज एक्चुअली निकाल ली कितनी है, व्हाट इज द एस टू पी प्लस एस वन पी, ये डाटा पुट करके वो यहां से निकाल सकते हैं ना, मुझसे देखो एस टू पी का स्क्वायर है तो अंडर रूट करके एस टू पी आ जाएगा, एस वन पी का स्क्वायर है तो अंडर रूट करके एस वन पी आ जाएगा। तो जब ये वैल्यू पुट करके निकालते हैं ना, बड़ा अच्छा रिजल्ट आता है, ये आ जाता है 200.01 सेंटीमीटर। जब हम इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, हाँ बिल्कुल वैसा ही बोल सकते हैं इसे, एस टू पी और एस वन पी स्ट्रेट लाइन भी होगा, बिल्कुल सही, वो भी हम बोल सकते हैं, बिल्कुल सही सही बोल सकते हैं, है ना, कि भाई ये दोनों चीजें होंगी ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन में, वो भी सही है। तो एस टू पी माइनस एस वन पी जो होगा ना वो इतना आ जाता है। तो आप देखो डी की वैल्यू 100 सेंटीमीटर है और ये चीज 200.01 आ गया है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, अप्रोक्सीमेटली लिख सकता हूँ इसे, 200.01 और 200 में क्या डिफरेंस है, बहुत कम डिफरेंस है ना, तो हम ऐसा लिख सकते हैं। तो डाटा से ये चीज आ और ये चीज आ गई, तो यहाँ पुट कर दिए, ये आपका तो मतलब आपको याद बस यही रखना है कि वहां पे पार्ट डिफरेंस जो होता है वाई इंटू स्मॉल डी वाई कैपिटल डी, बस इस सब डिस्कशन का मतलब वही है। अब इस आगे की स्टोरी पे आना है ना, मेन पर्पस तो आपका ये था ना, उस पी पॉइंट पे इंटेंसिटी निकालनी थी, तो इंटेंसिटी निकालने के लिए आपको पार्ट डिफरेंस चाहिए, पार्ट डिफरेंस से फेस आएगा, फेस से इंटेंसिटी, वो पार्ट डिफरेंस आपने निकाल लिया कितना होगा ज्योमेट्रिकली, पार्ट डिफरेंस आपने क्या कर लिया, कैलकुलेट कर। क्या चीज, हमको दोनों डेरिवेशन के मेथड को लर्न करना? हाँ जरूरत पड़ती है, दोनों दोनों की जरूरत पड़ती है, दोनों की, इसलिए मैंने बताया आपको, इसकी जरूरत इसलिए पड़ती है कि मान लो कभी एग्जाम में आ गया और अगर आपने सब्जेक्टिव में आ गया और आपने ये डेरिवेशन कर दी तो जीरो नंबर मिल जाएंगे आपको। और इसकी इसलिए जरूरत पड़ती है
कि न्यूमेरिकल सॉल्व करने में कई बार क्या होता है ना, ये अप्रोक्सीमेशन नहीं होते, तो कैसे निकालें है भाई? ये चीज अगर नहीं होगी तो फिर तो पार्ट डिफरेंस यही रहेगा ना, और अगर ये नहीं होगी तो पार्ट डिफरेंस ये होगा, इसलिए जरूरत पड़ती है न्यूमेरिकल से। ये जो चीज है न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए होता है, और ये जो अप्रोच है कि एग्जामिनेशन में अगर ये डिराइव करने आए तो कैसे डिराइव करेंगे, वो इसी मेथड से करना है जो एनसीईआरटी में। दोनों जान लेना सही रहता है। अदरवाइज एज ए फॉर्मूला तो बस आपको यही जानना है। हाँ एक चीज थोड़ा सा ना, हम जो बी पढ़ रहे थे, मैं बताना भूल गया आज, उसमें मैंने बोला था कि F1 माइनस F2 का जो मॉड होगा इसको आप करेक्ट कर लेना, दैट शुड बी लेस देन और इक्वल टू 16 हर्ट्ज। तो 16 हर्ट्ज नहीं, वो 10 हर्ट्ज होता है, ये कहीं पे 16 हर्ट्ज लिखा होगा तो उसको करेक्ट कर लेना है ना, और बीट जहां भी आपने नोट लिखा होगा ना वहां पे 10 हर्ट्ज कर लेना। एक्चुअली वो 16 हर्ट्ज को स्लाइड से रिलेटेड टर्म था, वो मिक्स हो गया था, 10 हर्ट्ज मॉडल में भी यही दिया होगा। सर राइट वाले स्टेप में आप वो डेल्टा एक्स का पॉइंट एक्सप्लेन कर सकते हो? डेल्टा एक्स का पॉइंट क्या चीज? सर जो डेरिवेशन किया है वो। भाई ये चीज ले लिया, फिर दोनों को माइनस कर दिया तो अपने आप ही आ गया है ना, भाई दोनों को माइनस करेंगे तो अपने आप आ जाएगा ये। यस सर। स्क्वायर करके फिर इसको फैक्टराइज कर दिया, ए माइनस बी ए प्लस बी। ये जो चीज होती है यही तो पार्ट डिफरेंस होता है डेल्टा एक्स। ये चीज निकालना है मतलब इस चीज को नीचे ले जाना पड़ेगा, नीचे ले गए इसे, और फिर ये डाटा लेते हैं तो हम देखते हैं कि d अगर 100 है तो ये चीज 200 आ जाती है ऑलमोस्ट, मतलब ये जो चीज है 2d के इक्वल है, इसको 2d पुट कर दिया हमने, 2d पुट करेंगे तो ये आ जाएगा पार्ट डिफरेंस। बस सवाल ये है कि आपको ये आना चाहिए। अब हम आ जाते हैं वापस से अपनी चीजों पे, वही आपका पर्पज था कि पी पॉइंट पे कितनी इंटेंसिटी होगी वो निकालना। तो जैसे यहां पे अगर मैं वापस से फ्रिंज का पैटर्न बनाऊं, ये एक्सपेरिमेंट के बाद आपके स्क्रीन पे इस तरह का पैटर्न बन गया ना, तो भाई इस तरह से पैटर्न बन गया ना, और ये पैटर्न आपका आ गया कंटिन्यूअस वेरिएशन इस तरह से। यस एकदम आइडेंटिकल होती है सारी, ऑल फ्रिंजेस आर आइडेंटिकल, कोई डिफरेंस नहीं होता इसमें है। तो अब इस जो मैक्सिमम मिनिमम बन रहा है ना, इसको हम कुछ नाम देते हैं। तो सबसे सेंटर ओरिजिन पे जो बनता है इसको हम बोलते हैं सेंट्रल मैक्सिमम, सेंट्रल मैक्सिमम। ये जो बनता है एकदम ओरिजिन से ऊपर, ये होता है फर्स्ट मैक्सिमम। उसके बाद ये जो बनेगा इन सेकंड मैक्सिमम एंड सो ऑन, नीचे भी वैसे सेम, सेंट्रल के नीचे जो ये बनेगा इमीडिएट, ये आपका होता है फर्स्ट मैक्सिमम, और ये भी आपका होता है सेकंड मैक्सिमम।
लाइक दैट। और सेंट्रल के तुरंत बाद ये जो बनता है यहाँ पे, दिस इज नोन एज ए फर्स्ट मिनिमम। और ऐसे ही आपका सेकंड मिनिमम हो जाएगा, इसका नाम होता है सेकंड मिनिमम। कई बहुत सारे मैक्सिमम मिनिमम बनेंगे ना, तो सेंटर पे जो बना वो सेंट्रल बन गया, ये बाकी दो दो बनते हैं, फर्स्ट मिनिमा फर्स्ट मैक्सिमा लाइक दैट। तब आपका पर्पस ये है इसमें कि जैसे मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो फर्स्ट मैक्सिमा बना है उसकी ये डिस्टेंस कितनी होगी, ये वाला वाई वन है ना, या जो सेकंड मैक्सिमम बना है उसकी ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी y2 है ना, इसकी डिस्टेंस निकालना चाहते हैं। तो देखो मुझे आप ये बताओ, जैसे मैंने एक वर्ड यूज किया सेंट्रल मैक्सिमम, कि सेंट्रल मैक्सिमम में ऐसा क्या खास है, वैसे सारे मैक्सिमम एक जैसे ही होते हैं, लेकिन पार्ट डिफरेंस के टर्म्स में सेंट्रल मैक्सिमम में क्या हो रहा है, कितना पार्ट डिफरेंस होगा जहां पे सेंट्रल मैक्सिमा बनेगा, ये अगर S1 है और ये S2 है तो ये सेंट्रल मैक्सिमा एकदम ओरिजिन पे बन रहा है, यहाँ क्या पार्ट डिफरेंस होगा ओरिजिन पे, पार्ट डिफरेंस जीरो होगा है ना, कि जहां भी सेंट्रल मैक्सिमा बनता है ना वहां पे जीरो पार्ट डिफरेंस होता है, सेंट्रल मैक्सिमा में पार्ट डिफरेंस की वैल्यू जीरो होगी, तो दोनों पास सेम होंगे ना, ये पाथ इसका ओरिजिन पे पहुंचा और S2 से पहुंचा, तो दोनों पाथ में क्या डिफरेंस है, कोई पार्ट डिफरेंस है ही नहीं, तो जहां भी पार्ट डिफरेंस जीरो होगा वहां पे सेंट्रल मैक्सिमम होगा। अगर मैं ये निकालना चाहूं कोई nth मैक्सिमा फॉर्म हो रहा है तो पार्ट डिफरेंस की वैल्यू nth मैक्सिमा के लिए क्या होना चाहिए, एन लैम्डा, अपने लास्ट क्लास में पढ़ा तो था कि भाई कहीं भी अगर कोई मैक्सिमम बन रहा है तो पार्ट डिफरेंस एन लैम्डा होता है, तो जहां पे पार्ट डिफरेंस एन लैम्डा होगा वहां पे मैक्सिमम फॉर्म हो जाएगा। तो अगर मुझे निकालना ही है, पहला तो सेंट्रल मैक्सिमम आ गया, सेकंड हम बात कर रहे हैं nth मैक्सिमम वहां पर निकलेगा जहां पार्ट डिफरेंस इतना होगा, और पार्ट डिफरेंस अभी आपने निकाला है वाई इंटू डी बाई कैपिटल डी होता है इक्वल टू एन लैम्डा। तो अगर मैं ये निकालना चाहूँ कि व्हाट इज द पोजिशन ऑफ nth मैक्सिमा, यहां से हम निकाल सकते हैं y की वैल्यू आपकी हो जाएगी n लैम्डा d बाई टू डी जी, यहाँ पा जाएगा। जैसे कोई आपसे पूछता है कि फर्स्ट मैक्सिमा की क्या पोजीशन है, n इक्वल टू वन पुट कर दो तो y वन आ जाएगा लैम्डा d बाई टू, सेकेंड मैक्सिमा की क्या पोजीशन होगी y टू पूछ लो, यहां से y टू आ जाएगा लैम्डा बाई टू बाई टू, तो एग्जैक्ट आपकी लोकेशन आ गई, वही जो फर्स्ट मैक्सिमा बनेगा इतना सेंटीमीटर ऊपर बनेगा इस फॉर्मूले से, सेकंड मैक्सिमा इतना सेंटीमीटर ऊपर बनेगा इस फॉर्मूले से, तो बहुत एक्यूरेट रिजल्ट्स आते हैं। ये तो nth मैक्सिमा हो गया, ऐसे अगर मुझे फॉर्म करना है nth मिनिमा, तो nth मिनिमा के लिए आपको पता है कि जो पार्ट डिफरेंस होना चाहिए वो 2n माइनस 1 लैम्डा बाई 2 होना चाहिए, तो ये लैम्डा बाई टू का मल्टीपल होना चाहिए। तो अगर मुझे ये निकालना है कि व्हाट इज द पोजीशन ऑफ nth मिनिमम है ना, यही पार्ट डिफरेंस मैं इसके इक्वल पुट कर दूंगा y इनटू स्मॉल d बाई कैपिटल d के, यहां से nth मिनिमम की पोजीशन आपकी है ना। तो आपको इसमें जो याद चीज रखनी है ना वो सिर्फ ये चीज याद रखनी है, पार्ट डिफरेंस जहां पे एन लैम्डा होगा वहां पे nth मैक्सिमा बनेगा, और पार्ट डिफरेंस जहां पे ये होगा वहां पे मिनिमा बन जाएगा, और इसी को यूज करके उसकी पोजीशन आ जाएगी। तो किसी मिनिमा की पोजीशन इसके निकाल सकते हैं, जैसे मुझे फर्स्ट मिनिमा निकालना है, मैं वाई वन की वैल्यू यहाँ वन पुट कर दूंगा तो लैम्डा डी बाई टू डी आ जाएगी, अगर ये वाई वन डैश डिस्टेंस है तो वाई वन डैश डिस्टेंस ये आपकी हो जाएगी है। तो ये जस्ट आपकी चीज आप, तो ये आपको जानना होता है, ये पोजीशन आपसे पूछते हैं कि कहाँ पे फॉर्म है।
दोनों तरफ सेम होगा, जितना ऊपर बना है उतना नीचे भी बन जाएगा आपका जो मैक्सिमम। कहां से चीजें स्टार्ट हुई थी, हाइगेंस ने जस्ट प्रेडिक्शन दिया है ना, तो ऐसा होना चाहिए, वेव हो सकती है ऐसी जैसे वाटर वेव होती है ना, उसको फिर यंग्स ने एक्चुअली में ऑब्टेन कर लिया और एकदम प्रिसाइज पोजीशंस भी आ रही हैं, इतने सेंटीमीटर पे बन रहा है किसी वेव नेचर पे, फिर किसी को डाउट ही नहीं रहता है। तो ये सब न्यूमेरिकल्स में आपको यूज होंगी सारी चीजें। एनथ एनथ पीएच है बेटा वो एनथ, this is TH, nth maximum, और nth में first, second, third कुछ भी हो सकता है, nth maximum। है ना, याद आ गया है ना। अभी कुछ इसमें डिस्कशन पॉइंट्स है वो कर लेते हैं थोड़े से, एक दो पॉइंट्स है बस इसी आइडिया से के ही, डिस्कशन पॉइंट्स तो और भी बहुत सारे लेकिन आज हम दो ही पढ़ेंगे ना, आइडिया से के इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है ना। फर्स्ट पॉइंट हम एक टर्म डिफाइन करते हैं, वी कॉल इट द फ्रिंज विड्थ, फ्रिंज ये टर्म हम डिस्कस करते हैं यहां पे, वी कॉल इट द फ्रिंज विड्थ। फ्रिंज विड्थ होता है सेपरेशन बिटवीन टू कंसेक्यूटिव मैक्सिमा और मिनिमा, वे दो कंसेक्यूटिव मैक्सिमा और मिनिमा के बीच का जो सेपरेशन होगा ना, उसी को हम बोलते हैं फ्रिंज विड्थ, है ना। तो फ्रिंज विड्थ का मतलब सिंपल सा आपका ये हो गया कि अगर मैं एक्सपेरिमेंट प्लॉट करूं लाइक दैट, ये स्क्रीन, ये आपका सेंटर लाइन है ना, तो इसमें मैक्सिमम मिनिमम फॉर्म हो जाएंगे, बहुत सारे बनेंगे, सेंट्रल बन गया है ना। तो एक फ्रिंज की विड्थ का मतलब हो जाएगा या तो दो मैक्सिमा के बीच का सेपरेशन या दो मिनिमा के बीच का,
हाँ, कि जैसे यहाँ पे एक मिनिमा बन गया, एक मिनिमा यहाँ बन गया, ये जो टर्म आ जाएगा इसी को हम बोलते हैं फ्रिंज विड्थ बीटा, है ना। फ्रिंज विड्थ के लिए हम बीटा सिंबल यूज करते हैं, या दो मैक्सिमा के विषय बना लो, एक ही चीज है आपकी बीटा, दो मैक्सिमा और मिनिमा के बीच का सेपरेशन होता है, इसी को हम बोलते हैं फ्रिंज विड्थ। फ्रिंज विड्थ निकालना एकदम आसान है, फ्रेंच वेट की वैल्यू यही तो हो जाएगी वाई एन प्लस वन माइनस वाई एन, है ना, कि भाई एन प्लस वन में जहां मैक्सिमम बना और एन मैक्सिमम बना, दोनों का डिफरेंस जो हो गया वो फ्रेंच वेट हो जाएगा, वाई एन प्लस वन आपका ये हो जाएगा, और वाई एन आपका हो जाएगा एन लैम्डा डी बाई स्मॉल डी। तो फ्रेंच वेट की वैल्यू आ जाएगी वो आपकी लैम्डा डी बाई स्मॉल डी आ जाएगी। एक फ्रिंज विड्थ की विड्थ कितनी होगी, दिस इज योर फ्रिंज विड्थ, ना, सभी की फ्रिंज विड्थ सेम ही होती है ना, कि आपने यहाँ पे एक फ्रिंज बना लिया, ये सपोज आपका nth मैक्सिमा बन गया, है ना, और एक आपका n प्लस वन मैक्सिमा बन गया, दोनों के बीच का जो सेपरेशन होगा वही क्या हो जाएगा, फ्रिंज विड्थ हो जाएगा। एक तो टर्म आ गया फ्रिंज विड्थ, दूसरा टर्म होता है एंगुलर फ्रिंज विड्थ, एन प्लस वन के बाद लैम्बडा डी लिखा है कहां पे, हाँ सर, हाँ लैम्बडा इनटू कैपिटल डी, भाई वो फॉर्मूला था ना अभी, अब मैक्सिमा की जो पोजीशन लिख रहे थे हम, एन लैम्बडा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी, अगर n है तो n ले लिया, अगर n प्लस वन है तो n प्लस वन ले लिया, n प्लस वन और n की जो डिफरेंस होगा वही तो फ्रिंज विड्थ हो जाएगा, है ना, कि अगर ये n है ये n प्लस वन है, दोनों के बीच का जो सेपरेशन होगा वो फ्रिंज विड्थ होता है, तो एंगुलर फ्रिंज विड्थ आ जाएगा। एंगुलर फ्रिंज विड्थ जो हो जाएगा ये एंगुलर सेपरेशन हो जाएगा, सेपरेशन बिटवीन टू कंसेक्यूटिव मैक्सिमम, और मिनिमम, है ना, एंगुलर सेपरेशन बिटवीन टू कंसेक्यूटिव मैक्सिमम और मिनिमम जो होगा वो आपका एंगुलर फ्रिंज विड्थ हो जाएगा, दिस इज सिंपली नोन एज एंगुलर फ्रिंज विड्थ। एंगुलर फ्रिंज विड्थ का मतलब ये हो गया कि यहां पे जैसे सेंट्रल लाइन पे ये चीज, ये इस एंगल जो बनाएगा ये, उसको हम एंगुलर फ्रिंज विड्थ बोलते हैं, ये वाला एंगल डेल्टा, तो एक्चुअली डिस्टेंस जो होगा वो विड्थ होगा, ये जो एंगल बनेगा वो एंगुलर फ्रिंज विड्थ हो जाएगा, तो एंगुलर फ्रिंज विड्थ को हम डेल्टा शो करते हैं, डेल्टा की वैल्यू क्या हो जाएगी, बीटा बाई कैपिटल डी, तो बीटा को डी से डिवाइड कर देंगे तो एंगुलर फ्रिंज विड्थ आ जाएगा, ये आपका हो जाएगा लैम्डा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी बाय कैपिटल डी कैंसिल, लैम्डा बाय स्मॉल डी। तो एग्जाम में दोनों पूछे जाते हैं आपसे, तो आपको ध्यान रखना क्या पूछ रहा है, कि सिंपल फ्रिंज विड्थ पूछ रहा है या एंगुलर फ्रिंज विड्थ पूछ रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग आप आंसर। ये दो डिस्कशन पॉइंट हैं, वैसे भी और भी हैं लेकिन वो हम अगली क्लास में करेंगे। सर आज की क्लास हो गई क्या? अभी नहीं होगी, अभी क्वेश्चंस करेंगे एक दो फिर खत्म होगी, अभी जो आपने पढ़ा है ना उसके एक दो न्यूमेरिकल्स करेंगे, टेन क्लास फिर भी होगा। है ना, ये आपका है डिस्कशन पॉइंट ऑफ आइडियाज।
YDSA के डिस्कशन पॉइंट्स। अब मैं आपको कोई एक दो मेडिकल शेयर कर रहा हूँ, उसको एक बार ट्राई करो सर। वन सर Okay. And I share one numerical. Go for this question. हाँ सोम सही है, गौतम मेरा आंसर इज करेक्ट। सही है, इसमें तो कुछ ऐसा है नहीं ना, तो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। तो भाई आपके फॉर्मूला पता है कि पोजीशन ऑफ एनथ मैक्सिमा क्या होता है? पोजीशन ऑफ एनथ मैक्सिमा, जो पोजीशन ऑफ एनथ मैक्सिमा होता है इसका फॉर्मूला आपने लिख लिया है ना। अच्छा मिनिमा है मैक्सिमा है, अच्छा सॉरी मिनिमम,
डार्क फ्रिंज बन रहा है ना, डार्क फ्रिंज जो बनता है वो मिनिमम होता है। इसका फॉर्मूला होता है 2n-1 लैम्डा कैपिटल डी बाई स्मॉल टू डी, ठीक होता है ना। इसने दिया हुआ है कि जो फिफ्थ बन रहा है, मतलब n की जगह 5 कर लेंगे, y जो है वो 4 है भाई, 4 मिलीमीटर पे फिफ्थ बन रहा है, मतलब ये y तो आ गया आपका कि y की वैल्यू 4 मिलीमीटर में 0.4 सेंटीमीटर हो जाएगा, और फिफ्थ है तो n की जगह 5 पुट कर देंगे। कैपिटल D आपको दिया हुआ है 200, या सबको आप उसी में कन्वर्ट कर लो मीटर में, 4×10⁻³ है ना। कैपिटल D आपको 2 मीटर दिया हुआ, और स्मॉल D आपको निकालना है, एंड वेवलेंथ इज गिवन 600 नैनोमीटर। बस फॉर्मूला पुट कर दो, तो फॉर्मूला पुट करेंगे तो y की वैल्यू जो आ जाएगी, n की वैल्यू अगर मैं 5 पुट कर दूं तो 9 लैम्डा d बाई 4 स्मॉल d आ जाएगी। बस इससे हम कैलकुलेट कर लेंगे, स्मॉल d की वैल्यू आपकी आ जाएगी। वाई फोर वाई, बस इसमें वैल्यूज पुट करेंगे और इधर डिजाइन से। इसने दिया हुआ है ना बेटा, डिस्टेंस ऑफ फिफ्थ डार्क फ्रिंज, डिस्टेंस की बात कर रहा है। डार्क फ्रिंज का मतलब मिनिमा बनेगा, तो मिनिमा का फॉर्मूला यूज कर लेंगे। तो इसने बोला कि जो फिफ्थ डार्क फ्रिंज बन रहा है वो ऑरिजिन से सेंटर से वाई सर 4D के से 4D नहीं 2D आएगा क्या? हाँ सर 2D आएगा, कुछ हाँ सर 2D आएगा। हम सॉल्व करेंगे, तो इसको जब आप सॉल्व करोगे, हाँ मिलीमीटर्स में है, सबको मैंने चेंज कर दिया, वही 4 मिलीमीटर है तो उसको मीटर में कन्वर्ट कर दिया, सारी चीजें नैनोमीटर को भी मीटर में कन्वर्ट कर दिया, ये मीटर में दिए हुआ था, तो सबको मिलीमीटर में, तो मीटर में ही आंसर आ जाएगा, तो उसको फिर से मिलीमीटर में आंसर आए तो D की वैल्यू 1.5। हाँ वही बेटा, मीटर में जब आ जाएगा ना तो उससे मिलीमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये चीज ऐसी आ जाएगी 1.35×10⁻³ मीटर, तो मतलब ये अप्रोक्सीमेटली आपका 1.35 मिलीमीटर किसी भी एक डाटा में कन्वर्ट कर लो। चलो एक लास्ट क्वेश्चन, अब ये कन्वेंशनल क्वेश्चन है, जैसे ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आ गया कि आपको ये फॉर्मूला पता था, आपने डाटा पुट किया, आपका आंसर आ गया, तो ऐसे भी आते हैं, लेकिन मेनली जो कन्वेंशनल क्वेश्चंस होते हैं वो ऐसे नहीं होते हैं। जैसे कि जो मोस्ट प्रॉबेबल क्वेश्चंस होते हैं जो आने वाले होते हैं ना, वो इस नेचर के होंगे जो अगला क्वेश्चन, इसको थोड़ा सा ट्राई करो। ये लास्ट क्वेश्चन, इसके बाद आप ओके, लास्ट में स्लाइड शो कर दूंगा मैं आपको।
अब ऐसे क्वेश्चन आते हैं हमेशा हर एग्जाम में ना पूछे जाएंगे, तो अगर ये कभी आ जाएगा एग्जाम में तो कोई सरप्राइज थोड़ी होगा, जिस बच्चे ने किया होगा फटाफट कर लेगा। गौतम सही है आपका आंसर, गौतम योर आंसर इज करेक्ट। Anika, your answer is correct. चलो नॉट मच टाइम लेफ्ट, आई विल एक्सप्लेन दिस। देखो क्या पूछ रहा है, पहली बात तो अब ये लाइट मोनोक्रोमेटिक नहीं है, वाइट है ना, इसमें बहुत सारे वेवलेंथ होंगे, 7 वेवलेंथ होंगे इसमें, वाइट लाइट आई है ना, सेपरेशन में स्लिट जो है वो एक्चुअली बी दिया हुआ है, मैं बी ले लेता हूँ उसको, है ना, ये जो सेपरेशन दिया हुआ है वो आपको बी दिया हुआ है, ये डिस्टेंस जो होगी वो बी बाई टू हो जाएगी, और ये चीज स्मॉल डी दे रखी है, उसकी मर्जी है जो दे, थोड़ी आपने जो यूज किया वही देगा। तो इसने बोल रहा है कि एक किसी भी एक स्लिट के सामने इंटरफेरेंस होता है तो कौन सी वेवलेंथ यहाँ पे मिसिंग होगी, मतलब वो वेवलेंथ मिस हो जाएगी उससे, वाइट कलर में तो 7 वेवलेंथ होते हैं, लेकिन इस पर्टिकुलर पॉइंट पे कुछ वेवलेंथ मिस हो जाएंगी, मे बी रेड मिस हो सकती है, वायलेट मिस हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, तो कौन सा वेवलेंथ मिस होगा, तो वेवलेंथ मिस कैसे हो जाएगी, कहाँ उसका मतलब क्या हो गया वेवलेंथ मिसिंग का, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। हाँ, वेवलेंथ मिसिंग का मतलब हो जाएगा कि उस लोकेशन पे क्या फॉर्म हो जाएगा, डिस्ट्रक्टिव, डिस्ट्रक्टिव का मतलब मिनिमा बन जाएगा, और मिनिमा की पोजीशन जो होती है, अभी आपने फॉर्मूला पढ़ लिया, ये होता पोजिशन ऑफ द मिनिमा, मतलब जहां पे y की वैल्यू b बाई टू होगी वहां पे किस वेवलेंथ का मिनिमा फॉर्म होगा, तो y की वैल्यू आप b बाई टू पुट कर दो, जिसने एक वर्ड यूज किया ना, स्क्रीन डायरेक्टली इन फ्रंट ऑफ द वन ऑफ द स्लिट, ऊपर का भी ले सकते नीचे भी ले सकते, तो फर्क नहीं पड़ता उससे, तो इसलिए y की वैल्यू वहां पे आपका b बाई टू हो जाएगी, जो दिया हुआ है वही लेते हैं हम, y की वैल्यू b बाई टू हो जाएगी, n माइनस वन आप ऐसे छोड़ दो, कौन सा मिनिमा बनेगा आपको क्या पता, लैम्डा तो निकालना ही है, अब d की जगह पे इसने स्मॉल d दे रखा है, और d जो है वो अब b है आपका, तो b भी कैंसिल, यहां से वेवलेंथ की वैल्यू ये होगी, वेवलेंथ की वैल्यू आपकी हो जाएगी है ना b स्क्वायर बाई 2n माइनस वन इंटू b,
जो ये प्रॉब्लम जो होगी उस लोकेशन पे मिनिमा फॉर्म करेगा, है ना। अब यहां से इससे से पहुंचे तो एन ट्राई करो, टेन की वैल्यू पहले वन ले लो, क्या पता वहां पे फर्स्ट मिनिमा बन रहा होगा। टेन की वैल्यू वन लेंगे तो क्या आ जाएगा प्रॉब्लम, बी स्क्वायर बाई डी आ गया। एन की वैल्यू आप टू ले लो, टू लेंगे तो क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर बाई थ्री डी आ जाएगा। बस दो ही पूछा हुआ तो दो ही लेते हैं, तो बी स्क्वायर डी भी मिनिमा फॉर्म करेगा, बी स्क्वायर थ्री डी भी करेगा, ये ऑप्शन इसका। सर n का वैल्यू हमने ऐसे कैसे ले लिया वन और टू? हाँ वो ट्राई करना पड़ेगा बेटा, वो ट्राई करना पड़ेगा ऑप्शंस के हिसाब से। बन रहा है ये नहीं बोल रहा है, ये नहीं बोल रहा है कि फर्स्ट बन रहा है, सेकंड बन रहा है, थर्ड बन रहा है, बोल रहा है मिनिमा बनेगा n की वैल्यू। तो ऑप्शंस के हिसाब से लेना पड़ेगा ना? बिल्कुल ऑप्शन के हिसाब से। n की वैल्यू वन लिया तो ये तो दोनों बिल्कुल ही गलत हो गए, तो या तो ए हो सकता है बी होता है, फिर आपने टू ले लिया तो बी स्क्वायर बाई थ्री डी ले लिया। थ्री भी ले सकते थे, थ्री लेते तो कुछ अगली प्रॉब्लम आ जाती, तो कई बार इस क्वेश्चन में थ्री प्रॉब्लम्स भी होती है जो मिसिंग होंगी। मेन कंसेप्ट है आपको ये फॉर्मूला समझ, तो ये कुछ कभी भी एग्जाम में आ सकता है। थर्ड मिसिंग वेवलेंथ क्या होगी, बी स्क्वायर बाय फाइव बी ना? हाँ टू थर्ड पुट करेंगे तो थ्री पुट कर देंगे, हाँ बी स्क्वायर पुट करेंगे तो बी स्क्वायर बाय फाइव भी हो जाएगी। देखो बीच वाला ये तो आएगा ही नहीं कभी भी, टू डी वाला तो टू भी नहीं आएगा, फोर भी नहीं आएगा, बी स्क्वायर बाय डी से सीधे थ्री डी आ गया, अगला फाइव डी आ जाएगा, उसका अगला सेवन आ जाएगा, ये सारी वेवलेंथ मिसिंग होगी, है ना। नहीं बी स्क्वायर डी निगेटिव कहाँ आ रहा है, एन वन पुट करेंगे तो निगेटिव कहाँ आएगा, एन वन पुट करेंगे यहाँ पे तो पॉजिटिव तो आएगा, निगेटिव कहाँ से आ रहा है, अगर निगेटिव आ रहा है मतलब वो नीचे बन रहा होगा, है ना, मतलब जैसे ऊपर मिस होगा वैसे नीचे भी मिस होगा। भाई ऊपर होगा तो नीचे भी तो मिस होगा, आइडेंटिकल पैटर्न नीचे भी होता है। तो ये ऑप्शन से हम इसको आइडेंटिफाई कर लेंगे, तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में आंसर, मैंने बड़े एग्जाम देख लिए, हर साल एक सेट ऑफ क्वेश्चन से पूछते हो, है ना। चलो तो है ना, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, आज के लिए इतनी काफ़ी, बहुत पढ़ लिया आज हमने, है ना। नेक्स्ट क्लास में भी विल कंटिन्यू द वाई डी एस ई कंटिन्यू करेंगे, अभी तो एक दो क्लास चलेगा, ये बड़ा लंबा टॉपिक होता है भाई, सौ साल तक आने में लग गया तो आपको एक क्लास में थोड़ी पढ़ लोगे यार, कम से कम तीन क्लास तो देना पड़ेगा, नहीं। चलो तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय बाय, बाय सर, थैंक यू।